हेलो गाइस, दिस इज द ब्रांड न्यू ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G। टुडे वी आर गोइंग टू अनबॉक्सिंग इट एंड लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड एंड हाउ मेनी वाट्स ऑफ चार्जर इन दिस बॉक्स एंड 20 टाइप्स ऑफ कलर ऑफ दिस फोन एंड हाउ मेनी रुपीज ऑफ प्राइस ऑफ दिस फोन। सो बी ट्यूनेड विथ मी, अभी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और सब कुछ दिखाते हैं। बने रहिए मेरे चैनल पे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकी कुमार जी और ये जो है इस फोन का अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए विकी जी, अनबॉक्सिंग कीजिए। खुले हाँ, पलटिए आराम से जी। पन्नी को पूरा हटा दीजिए। बहुत बढ़िया, आराम से फोन को अभी रखिए साइड में। इधर इसके अंदर एक्सेसरीज क्या है वो दिखाइए हमारे दर्शक को। जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर एक हाई क्वालिटी का आपको कवर निकला है और कवर भी देख सकते हैं आप क्वालिटी कैसा है। इसको निकालिए, कवर भी जो है इसमें यूनिक कवर दिया है। ये एंटी ड्रॉप कवर इसको बोलते हैं। कि बाय द वे अगर ये कवर लगा हुआ और फ़ोन गिर जाए तो फूटने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये एंटी ड्रॉप कवर है और ये बहुत जल्दी पीला नहीं होता है। एलोइस जो हो जाता है ना वो उसको होने में बहुत टाइम लगेगा जनरल कवर की तुलना में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जर की बात करें, यहाँ पे आपको 80 वाट की चार्जर मिल जाता है जो कि काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी फास्ट चार्ज इसका करता है। इसमें आपको एक मिल जाता है USB 2 टाइप सी डेटा केबल जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं, इसको निकालिए थोड़ा सा कागज़ में से। जैसा कि देख सकते हैं और ये जो है ना ये काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। लंबाई भी इसका काफ़ी दिया है अच्छा, और इस तरफ टाइप सी है और इस तरफ आपको USB डेटा केबल का मिल जाएगा आपको सपोर्ट। यहाँ पे बात करते हैं कि एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है आपको। इसके अंदर एक और चीज़ है जो नोटिस करने वाला चीज़ है, ये मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन होल सील स्टिकर, मतलब कि इसका जो डिस्प्ले है क्वाड कर्व है, तो कर्व डिस्प्ले में लिक्विड से टेम्पर लगता है। और जब लिक्विड से टेम्पर लगता है तो जो फ़ोन के अंदर होल होते हैं जैसे कि एयरफोन वाला चार्जिंग वाला, उसको सील करने के लिए इसमें स्टिकर दिया गया है। इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है टेम्पर ग्लास लगाने टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक स्टार्ट गाइड है, मतलब किस तरीके से फ़ोन को स्टार्ट करना है, क्या से कैसे सिम लगाना है, वो सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है। आप फाइनली फ़ोन पे आते हैं। चलिए विक्की जी, फ़ोन को जो है अनकवर कीजिए। बहुत फाइन फ़ोन, इस फ़ोन को लाने के लिए जो है ना हमको 2 दिन लग गया क्योंकि विक्की जी का कलर च्वाइस था। जैसा कि आप देख सकते हैं कलर है ये सनसेट गोल्ड, इस कलर का नाम है सनसेट गोल्ड। ओ माई गॉड, लुकिंग लाइक अ वाव। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कलर के लिए विकी जी जो है ना एक दिन रुक गए हैं। एक्चुअल में ये कल ही लेने के लिए आए थे लेकिन गोल्ड कलर नहीं अवेलेबल था, इसके कारण एक दिन रुके हैं और आ जाया है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सनसेट गोल्ड जो है ना वाकई में जो है ना खूबसूरत कलर है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। और इसमें जो ये रिंग डिज़ाइन दिया है ना ये काफ़ी जो लग रहा है ऑसम लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है और दो कलर, यहाँ पे मैट फिनिश मिल जाता है, यहाँ पे ग्लोसी फिनिश। और ये जो डिज़ाइन है ये पहली बार ओप्पो रिवेन डिज़ाइन लाया है रेनो सीरीज में, इसको बोलते हैं ओप्पो रिवेन डिज़ाइन, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे की ओर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक सिम ट्रे मिल जाता है, एक स्पीकर मिल जाएगा, एक माइक मिल जाएगा आपको। और राइट साइड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा पावर बटन, वॉल्यूम बटन। अपर साइड में आप देख सकते हैं एक स्पीकर मिल जाता है क्योंकि इसमें डॉल्बी स्पीकर है, तो ऊपर भी स्पीकर मिल जाता है। और एक मिलता है आपको IR ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। अगर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा तो इसमें क्वाड कर्व, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीचे भी कर्व डिस्प्ले है आपको और राइट लेफ्ट साइड में भी कर्व है हल्का, और क्वाड कर्व इसको बोलते हैं, जैसा कि आपको लाया है CB ने, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी फटाफट इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इसका कैमरा भी दिखाएंगे आपको और डिस्प्ले का क्वालिटी भी दिखाएंगे और डिज़ाइन भी दिखाएंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे। फाइनली जो है ये फ़ोन ऑन हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले हम ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं ताकि जो है आपको भी अच्छे से दिखे और मुझे भी अच्छे से दिखे। उसके बाद अबाउट फ़ोन में जा करके देखते हैं कि वाकई में फ़ोन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, रैम रोम कितना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट फ़ोन में, यहाँ पर मैंने गया और यहाँ देखिए 512 GB स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज मतलब इनफ है, कभी भरेगा नहीं, आपको 4 साल 5 साल के लिए टेंशन ही नहीं लेना है। 12 GB रैम है, उसके बाद 12 GB आप इसको एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं, मतलब कि 12+4 12+8 12+12, जो कि काफ़ी सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
5000 एमएच की बैटरी मिल जाती है, जो कि इस प्राइस रेंज में प्रीमियम सेगमेंट में इतना एमएच की बैटरी होने के बावजूद भी सेट काफ़ी स्लिम है, मतलब कि सेट बल्की नहीं हुआ और मोटा नहीं हुआ, ठीक है। डायमेंसिटी 7300 एनर्जी प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट एफिशिएंस है। अगर बात करते हैं कैमरा की, फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिल जाता है, जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपको मिलेगा। बैक में 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, जो कि सब कैमरा सोनी सेंसर से लेस है। कहने का मतलब कि कैमरा के मामले में ये बहुत ही औसम है, और इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा ऐसा फीचर्स दिया है जैसे कि AI। ये फ़ोन फुली AI फ़ोन है, जैसे कि आपको डब्बा पे भी मेंशन किया गया है, ओप्पो AI फ़ोन। AI फीचर्स में क्या है, हम एक फीचर्स आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा फीचर दिखाएंगे वीडियो पे तो लंबा हो जाएगा। सबसे पहले लेट मी कनेक्ट द इंटरनेट। जैसा कि आप देख सकते हैं वाईफाई को हमने कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि AI फीचर्स यूज करने के लिए आपको वाईफाई होना बहुत ज़रूरी है। हम कस्टमर का एक फ़ोटो ले लेते हैं, और उस फोटो में जो है हम एक एक आपको सिनारियो दे करके डेमोस्ट्रेशन करके बताएंगे। तो कैमरा पर देखिएगा और आप मुस्कुराइएगा, ठीक है। चलिए मुस्कुराइए, आप गोविंद जी के पास हैं। जैसे ही देखिए इस ये फ़ोटो क्लिक करने के बाद जो है ना, हमको दोनों टेस्ट हो गया कि क्या, अगर कैमरा का क्वालिटी बात करें तो कैमरा का क्वालिटी जो है ना काफ़ी इनहांस है। अगर हम जूम करते हैं तो ये ज़रा सा भी फट नहीं रहा है, और बिल्कुल क्लियरिटी है फ़ोन का। अगर बात करते हैं कि इसका AI टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो AI टेक्नोलॉजी के लिए आपको सबसे पहले यहाँ गैलरी में जाना पड़ेगा, और जैसे ही हम गैलरी में जाते हैं तो जो अभी हम पिक्चर क्लिक किए यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट में जाना है और आपको ओप्पो AI इरेजर पे क्लिक कर देना है। अभी देखिए क्योंकि नया है तो ये आपको जो है अग्रीमेंट जो मांगेगा इसको अग्री करना है, और नेट कनेक्ट रहेगा तो ये तुरंत हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो हमने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपको डाउनलोड एंड अपडेट, क्योंकि नया है तो अभी ये जो है ना इस चीज़ के सॉफ्टवेयर को अपडेट लेगा, और उसके बाद जो है ना इसको सेटिंग करके दिखाएंगे आप। तो ये हो गया अपडेट। अभी फटाफट AI इरेजर पे क्लिक करना है, और जिस चीज़ को आपको हाइड करना है या फिर इस फोटो में से हटाना है, बस उसको जो है ना इस तरीके से आपको सर्किल बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए लाइक दिस, इसको मैंने सर्किल बना दिया। अब देखिए ये जो क्या करेगा AI टेक्नोलॉजी है ना, उसको तुरंत देखिए मिनटों में गैप कर दे। जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग हो रहा है, मैंने बोला नेट कनेक्ट होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जरा सा भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे बॉक्स था या फिर कुछ भी रखा हुआ था, मतलब इट्स अमेजिंग। जैसा कि देख सकते हैं ये मैजिक हो गया, जादू हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही, इसके अलावा बहुत सारा फीचर जो है ना इसमें आपको, जैसे कि आप कंपेयर करके देखते हैं, पहले वाला फोटो में डब्बा था, इस वाला फोटो में डब्बा गायब, डब्बा था डब्बा गाय। तो इट्स अमेजिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स ओप्पो ने लाया है। इसके अलावा भी जो है ना आपको बहुत सारे इसमें फीचर्स है, मतलब कि इस मोबाइल में ऐसा फीचर्स है कि आप बिना सिम बिना नेटवर्क के जो है आप जो है ना बिना सिम बिना नेटवर्क के बात कर सकते किसी आपको अगला फ़ोन में जो इस तरीके का फ़ोन है। तो ओवरऑल फ़ोन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस फ़ोन का प्राइस है मात्र 40,999 रुपये, 41,000 का फ़ोन है, काफ़ी औसम है, आउटस्टैंडिंग है फ़ोन, और औसम फ़ोन है, ठीक है। तो चलिए विकी जी लीजिए इस फ़ोन को आप, ठीक है, एक बार मेरे चैनल को हाई कर दीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू।